शायरी लिखना उन्होंने शुरू किया, हमें तो कविताओं का शौक था। कलाकार वो खुद को कहते थे, हमें तो उनकी कलाओं का शौक था। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब लोग खैरियत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए। यहाँ पे मुझे एक बोर्ड मिला था जहाँ अरिजीत सिंह का कंसर्ट होने वाला है, वो बहुत देर का है, 18 नवंबर का 2023 का। और अभी तो फिलहाल हम अपने देवर को देहरा पे छोड़ के हम ग्लोबल विलेज को देखने के लिए जा रहे थे। इतनी उस दिन हम जा नहीं पाए ना, ईद के दूसरे दिन, तो हम सोचे चलो आज चलते। आज उसका मतलब सेकेंड लास्ट डे है, पर इतना भीड़ था कि क्या बताओ। हम निकले थे पूरे 9 को, ग्लोबल विलेज के जो एंट्री रोड है ना वहाँ तक पहुँच गए 9 को, बट उसके बाद ना निकल जाते जाते मतलब इतनी ट्रैफिक कि गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही थी। इतना बुरा लग रहा था कि क्या बताओ। तो फाइनली हम जाके पहुंच गए, बट बहुत एक बजे तक बंद हो जाता है ग्लोबल विलेज, बट हम 12 बजे पहुंचे। देखो 9 बजे हम ग्लोबल विलेज के एंट्री गेट में थे, हाँ, पर हम पहुंचते पहुंचते कब पहुंचे? 12 बजे। अभी पता नहीं मतलब इस साल मैंने ग्लोबल विलेज एक बार भी आके नहीं देखा, क्योंकि जब शुरू हुआ था तब मेरी रजा का बर्थ हुआ था, उसके बाद मैं घर चली गई थी और इसके बाद मैं आई तो टाइम नहीं मिला जाने को। अभी फाइनली जब आई तो इतना भीड़ था, इतना रश था उधर, और लास्ट सेकंड लास्ट डे है और ऊपर से सिर्फ 1 घंटा बाकी है मुझे देखने का। तो मेरे हस्बैंड बोले कि थोड़ा सा चक्कर लगा लेते क्योंकि बहुत भीड़ होगा उधर, और आप लोगों को पता ही होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग बेबी जब साथ में लेके चलते तो आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे तक आप उसको बिना कुछ मतलब खिलाए रह सकते, पर उसके बाद तो आपको ज़रूर उसको फीडिंग करवानी पड़ेगी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे। इसलिए तो मेरे हस्बैंड बोल रहे कि चलते देखते और इस बार थोड़ा सा ही देख लेते, नेक्स्ट टाइम जब आएगा हम पहले से जाएंगे। और एक्चुअली इस बार मेरे हस्बैंड का बहुत काम था तो हम कभी बाहर जा नहीं पाए, और ये हम टिकट के सामने रुके हुए, तो वैसे तो उसका लंबा लाइन था पर ऑनलाइन टिकट जल्दी हो जा रहा था तो उन्होंने ऑनलाइन ही टिकट कर दी मेरे हस्बैंड ने। तो हम बस हम एक्चुअली क्या किए, जो मेन एंट्री गेट है उधर से ना जाके हमने एग्ज़िट गेट से एंट्री की, क्योंकि एंट्री गेट बहुत दूर था और एग्ज़िट गेट पास था, तो हमने बस उधर से एंट्री कर ली। और यहाँ पे चेक वेक हो गया हमारा, और पता है हम 8 बजे घर से निकले ना, तो हमने कुछ खाए नहीं, इतनी भूखड़ हो गई, इतना भूख लग रही थी क्या बताओ। और जब मैं इधर से आई ना, आके सामने इंडिया का जो गेट था वो दिखा मुझे, और इधर सारे के सारे खाने की चीज़ें, इतना स्मेल खाने की खुशबू से ना पेट में ऐसे मतलब फील हो रहा था कि बस खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ। पर देखना भी है, अगर खाना खाने के बाद पूरा सब कुछ थोड़ा सा बॉडी एनर्जी छोड़ देती है ना, तो सोचा कि मुझे वैसे तो थोड़ा सा वॉशरूम में भी जाना था, तो मैं फटक से वॉशरूम जाके आई और मेरे हस्बैंड बोले चलो पहले कुछ थोड़ा सा खा लेते हैं, उसके बाद ही हम बाकी सब चीज़ें देखेंगे। देखो लास्ट डे है और इतना भीड़ था कि ऐसा फील हो रहा था कि मैं घूम जाऊंगी अगर मैंने मतलब आंखें बस ऐसे रिकॉर्ड करी पीछे से मेरे हस्बैंड कहीं चले ना जाए, तो वो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बहुत सारे लोग थे, तो बस हमने थोड़ा सा इंडिया के अंदर चले गए। मुझे देखना चाहते थे कि क्या है, एक्चुअली क्या है ना पता है, क्योंकि हम इंडिया वाले हैं ना, मैं तो इंडिया में ऐसा नहीं कि मैं मतलब बहुत सालों से मैं यूएई में हूँ, ऐसा तो नहीं है, पर
तो मुझे ना जो वो जो जहाँ पे वो खरीदारी कर रहे थे चीज़ों का, उसका प्राइस ना मुझे ऐसा फील हुआ कि अरे इंडिया में तो सस्ते में मिल जाता है, यहाँ पे आके उसको मतलब 10 रुपए का कुछ चीज़ समझ लो, इयररिंग, मैंने एक इयररिंग देखा है 10 रुपए का, 10 दिरहम का है एक इयररिंग, जहाँ हमको 10 रुपये मिलता है, 1 रुपये का दिरहम 22 का हिसाब से कन्वर्ट किया तो 10 रुपये का कितना होगा। तो इतना मुझे ऐसा लगा कि खरीदना ही बेकार है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि देखो उस हिसाब से काउंट ना करो, क्योंकि ये जो इंडिया के जो शॉप वगैरह है ना, यहाँ पे जो ग्लोबल विलेज में जो लोग मतलब अपना शॉप बनाया है ना, उन्होंने भाड़ा भी बहुत ज़्यादा महंगा दिया है, तो उसी हिसाब से उनका लाइक सामान की चीज़ें ऐसा ही होता है। अच्छा, तो पहले आप लोगों को ये बता दूं कि ग्लोबल विलेज क्या है। ग्लोबल विलेज अगर जिसको पता है तो पता है, जिनको पता नहीं तो मैं उनको बता दूं कि जो ग्लोबल विलेज है ना, हर एक ठंड के टाइम में वो आता है ग्लोबल विलेज, तो उस हिसाब से उसको लाइक 6 मंथ रहता है, जो आप हमारे जैसे मेला बोल सकते हैं उस टाइप के, यहाँ पे जो मतलब जो अरबी लोग हैं उनके लिए भी मेला बोल सकते हैं। ये एक मेला टाइप का है जहाँ पे पूरे कंट्री का, पूरे सॉरी पूरे वर्ल्ड का एक एक सिंबल लगा हुआ होता है, पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड का एक एक कंट्री का अपना अलग अलग हिस्सा होता है, जहाँ पे इंडिया का, पाकिस्तान, चाइना, जापान, सब 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 मिलता है आपको, सबको देखने के मिलता है। अगर अगर मैं हो पाता, अगर मैं पहले आती तो मैं आप लोगों का एक एक करके सब कुछ दिखाती, पर अभी तो नहीं हो पाएगा, कल पूरा बंद हो जाएगा वो ग्लोबल विलेज। देखते 6 मंथ बाद आप लोगों को मैं एक एक करके दिखा पाऊँगी इंशाल्लाह। वो एक एक करके देखने में ना बहुत अच्छा लगता है, फील होता है, क्योंकि आपको हर एक दुनिया का हर एक चीज़ें लाइक हर दुनिया के हर एक कंट्री के बारे में, वहाँ के खाने के बारे में, उधर के लाइक सामान के बारे में, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो बस हमने इंडिया में इसलिए घुसी क्योंकि हमको कुछ खाना था, ऑब्वियसली हम इंडियन लोग हैं, हमें तो कुछ अलग फूड इतना खास पसंद नहीं आएगा, तो हमने बस इंडिया में घुस के थोड़ा सा खाना खा लिया। और यहाँ पे हम चलने लगे तो बहुत बड़ा इलाका है, तो मेरे हस्बैंड बोले कि अगर हम ऐसे कंट्री के हिसाब से देखने जाएंगे ना तो हम शायद नहीं जा पाएंगे, और टाइम भी नहीं बचा, 1 घंटा बचा, तो हम जितना हो सके उतना मतलब देख लेते हैं चलो। तो ये सामने का बहुत मतलब अच्छा खासा कंट्री का था, और लोग भी बहुत ज़्यादा थे, और बहुत सारे लाइक ब्यूटीफुल जगह थी, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको बनाया है, जिन्होंने मतलब लाइक इसको डिज़ाइन किए, ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि ये एक मेला टाइप का है, ऐसा ऐसा भी हो, ये है ग्लोबल विलेज, मतलब एक एक अच्छा खासा विलेज, मतलब मॉडर्न विलेज लग रहा है। बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी कि और क्या क्या है चीज़ें देखने का। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबा के रखें, ताकि आप लोगों को सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले, और प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस को हमेशा देखें और उसको अच्छे से प्यार दें अपना। प्लीज़ मेरी वीडियो को ढेर सारे सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।